आज मैं आपको ऐसे देश की सैर करवाने वाला हूँ जो दो कॉन्टिनेंट में बटा हुआ है, जी हाँ, एशिया और यूरोप के बीच में। इस देश में 99% लोग एक ही मजहब को फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी ये देश धर्म निरपेक्ष यानी कि सेक्युलर है। इस देश के लोगों के बीच में सबसे पॉपुलर चीज है चाय। दोस्तों आज मैं आपको कहीं और नहीं टर्की देश की सैर करवाने ले जा रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है, यानी कि एक ऐसा देश जो अलग अलग कॉन्टिनेंट में बटा हुआ है। हालांकि तुर्की का ज्यादातर हिस्सा एशिया में ही है, वही कुछ पोर्शन यूरोप में भी आता है। इस देश की बॉर्डर ग्रीस, बुल्गारिया, जॉर्जिया, ईरान, इराक और सीरिया के साथ लगते हैं। साथ ही नॉर्थ में ब्लैक सी मौजूद है। दोस्तों इस देश की कुल आबादी है 8 करोड़ के आसपास और ये दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देशों की सूची में 70वें नंबर पर है। देश के 75% लोग शहरों में रहते हैं और केवल 25% लोग ही गांव में रहते हैं। दोस्तों जब कोई ब्रिज बनता है तो उसकी मदद से कोई नदी या फिर कोई मुश्किल जमीन को क्रॉस किया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है ऐसे पुल के बारे में जिसकी मदद से न सिर्फ दो देश बल्कि दो महाद्वीप को भी क्रॉस किया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, ये ब्रिज है टर्की में, जिसका एक हिस्सा एशिया में है तो दूसरा यूरोप में, और इस वजह से टर्की को एशिया का पुल भी कहा जाता है। दोस्तों भारत में सामान के दाम को लेकर सबसे ज्यादा मोल भाव किया जाता है, ऐसा शायद बहुत सारे लोगों को लगता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि टर्की देश का बाजार में दुनिया का सबसे अधिक मोल भाव होता है। अगर यहाँ कोई आपसे किसी सामान का 500 इंडियन करेंसी मांगे तो ये बात 100-150 तक बन जाती है। हमने आपको इसलिए बता दिया कि फ्यूचर में आप टर्की जाएं तो वहाँ के दुकानदार आपको कहीं ठग न ले। दोस्तों तुर्की का बहुत कम हिस्सा ही यूरोप में पाया जाता है, लेकिन फिर भी उतने कम एरिया में ही यूरोप में पक्षियों की सबसे ज्यादा प्रजातियाँ तुर्की में पाई जाती है। जी हाँ, इस देश में आपको अलग अलग पक्षी देखने को मिल जाएंगे। क्या बात है भाई। दोस्तों तुर्की के लोग सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव होते हैं। सबसे ज्यादा फेसबुक के मामले में तुर्की के लोग तीसरे नंबर पर आते हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि पहले नंबर पर आता है अमेरिका और दूसरे नंबर पर आता है ब्रिटेन। तुर्की की कुल जनसंख्या में 99% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, लेकिन 99% मुस्लिम होने के बावजूद भी इस देश को धर्म निरपेक्ष देश कहा जाता है। ये वाकई में हैरान करने वाली बात है, क्योंकि जिस जिस देश में मुसलमानों की संख्या ज्यादा है वहाँ इस्लाम रूल और रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है। तुर्की में सेक्युलर होने की सबसे बड़ी वजह तुर्की का कुछ हिस्सा यूरोप में होना हो सकता है। दोस्तों तुर्की का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक शहर इस्तांबुल है, जहाँ 2-2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और अभी तीसरे का निर्माण भी जारी है। 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में एक एशिया की फ्लाइट के लिए है तो दूसरा यूरोप के हवाई जहाजों के लिए। दोस्तों इस्तांबुल का ग्रैंड बाजार दुनिया के सबसे पुराने बाजारों में से एक है और सबसे बड़ा भी। अंदाजा लगाइए कि यहाँ कितनी दुकानें होंगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ कुल 4,000 दुकानें हैं और ये मार्केट 3,33,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। अगर आप कभी टर्की जाएं तो इस जगह को एक बार जरूर विजिट करें, मजा आ जाएगा। फ्रेंड्स, जब मिठाइयों की बात होती है तो इंडिया का नाम सबसे ऊपर आता है, तो टर्की दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां आपको चिकन से बनी मिठाई मिलती है। इस मिठाई को चिकन और दूध को बॉईल करके बनाया जाता है, यानी चिकन से मिठाई। ये बात मुझे हजम नहीं हुई, क्या आपको हो रही है? कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों जब बात होती है खाने पीने की तो तुर्की के लोग बड़े शौकीन होते हैं इस मामले में। आपको बता दूं कि तुर्की में लाल रंग की टोपी पहनकर बाहर निकलना कानूनी अपराध है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पर बैन मुस्तरा कैमल पाशा ने लगाया था। उन्हें लगता था कि ये कायरता की निशानी है, इसीलिए आप कभी भी टर्की जाएं तो अपनी लाल टोपी यहीं छोड़कर जाएं। दोस्तों तुर्की दुनिया का एकमात्र देश है यहाँ पर बच्चे पैदा होने के बाद उन्हें नमक से लपेटा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना है कि बच्चों के पैदा होते ही नमक से लपेटने पर उसके ऊपर से सारी बुरी नजरें हट जाती हैं। वैसे हैरान करने वाली बात है ना कि हम इंसान कहते रहते हैं कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन अभी भी बुरी नजर अच्छी नजर की हम बात करते रहते हैं। ये बात तो आपको पता ही होगी कि यूरोप के लोग कॉफी को पसंद करते हैं, लेकिन शायद ही आपको इस बात की जानकारी हो कि कॉफी पीने की शुरुआत यूरोप में इस्तांबुल शहर से हुई थी। जी हाँ दोस्तों, कई बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के साम्राज्य का इस्तांबुल राजधानी रह चुका है और ये शहर शुरू से ही बहुत विकसित है। दोस्तों ये बात तो आप जानते ही हैं कि तुर्की में 99% लोग मुस्लिम हैं, लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि इस देश में लगभग 85,000 मस्जिद है, जो इसे दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिद वाली सूची में ला देता है।
दोस्तों एक बात तो माननी पड़ेगी कि तुर्की देश बहुत लकी है। जानते हो क्यों? क्योंकि यहाँ 1939 के बाद से कम 25 बेहद भयानक झटके आ चुके हैं और इनकी तीव्रता कम से कम 7.8 की थी। तो आप खुद ही सोचिए कि अगर कोई देश 25 बार इस तीव्रता के भयानक भूकंप के झटके झेलता तो अब तक तबाह हो गया होता। दोस्तों आपको बता दूं कि तुर्की में शेर को शेर के नाम से नहीं जाना जाता, इसे देश में शेर को अस्लान नाम से भी पुकारते हैं, जो कि नॉर्निया नामक बुक में दर्शाया गया है। तो याद रहे कि जब भी आप तुर्की में जाएं तो शेर को अस्लान कहकर पुकारना। दोस्तों अब हम आते हैं कि वो तुर्की में कौन कौन सी जगह है जहां आप घूमने जा सकते हैं। साथ में आप ये भी जानेंगे कि इंडिया से तुर्की जाने का कितना खर्च आएगा और आप वीजा के लिए कैसे अप्लाई करें। तो दोस्तों तुर्की दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। ये तीन तरफ से विभिन्न समुद्रों से घिरा है, जिसके तटों पर शानदार बीच, घाटियां, बंदरगाहें, द्वीप तथा पठार हैं। सबसे पहले है इस्तांबुल। इस्तांबुल तुर्की का सबसे बड़ा शहर है। 1930 में इसे अपने पुराने ग्रीक नाम कस्तूनिया के नाम से जाना जाता था। ये तुर्की का सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है। इस शहर की स्थापना रोमन साम्राज्य के दौरान हुई थी। इस्तांबुल में कई ऐतिहासिक इमारतें हैं। यहाँ की हाजिया सोफिया और नीली मस्जिद बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ के बाजार तो सबसे अलग है। जिन लोगों को स्थापत्य से प्यार है उन लोगों के लिए यहाँ पर बहुत सारे होम डेकोरेट के सामान उपलब्ध है। एक छोटे बाल से लेकर एक बड़ी पेंटिंग तक सब कुछ यहाँ मिल जाती है। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि दुकानदारों से मोल भाव करना बिल्कुल न भूले। तो दोस्तों आप तुर्की के लिए ई वीजा भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये वीजा 6 महीने के लिए वैलिड होता है। साथ ही हो सकता है कि आपको अपना रिटर्निंग टिकट दिखाना पड़े, कई बार वो मांगते भी हैं। तो दोस्तों आपको पर डे स्टे के लिए कम से कम $50 के हिसाब से अकाउंट में पैसा शो भी करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।